वाराणसी उत्तर प्रदेश कोरोना कर्फ्यू को लेकर मंत्री अनिल राजभर ने किया पत्रकार वार्ता। सड़क के किनारे दुकानें लगाकर जो मजदूर कमाते खाते थे उनके लिए मुख्यमंत्री की बैठक में विशेष तौर पर दिया गया ध्यान। कल उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल की बैठक श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में हुई। आप सब लोग जैसा जानते हैं, सरकार ने फैसला किया कि कोरोना कर्फ्यू को हम 24 तारीख तक, 24 मई तक बढ़ा रहे हैं। साथ ही जो हमारे कामगार हैं, जो दिहाड़ी मजदूरी करने वाले लोग हैं, जो सड़क के किनारे छोटी मोटी दुकान लगाकर अपना और अपने परिवार का पेट भरते हैं, ऐसे छोटे व्यापारियों को भी, ठेला खुमचा रेहड़ी लगाने वाले लोगों को भी, उनके भरण पोषण के लिए सरकार ने इंतजाम किया है। हमारे जो नाविक हैं, केवट समाज के लोग हैं, जिनकी रोटी, जिनका रोजगार पूरी तरीके से नावों के संचालन पर निर्भर रहता है, उनको भी, साथ ही हमारे जो नाई समाज के लोग हैं उनको भी, हमारे जो मोची हैं सड़क के किनारे बैठकर जो रोजगार करते हैं, ऐसे तमाम लोगों को भी सरकार ने चिंता करते हुए उनके भरण पोषण का पूरा इंतजाम किया है। परसों पूज्य प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि का धन भी सम्मानित किसानों के खाते में भेजने का काम किया है। अभी तक जो 18 प्लस के जो लोग हैं, 18 वर्ष के ऊपर के जो लोग हैं, उनके वैक्सीनेशन का काम हमारे जो नगर निगम हैं, हमारे जो महानगर हैं, उन जगहों पर निःशुल्क चल रहा है। और कल से हम उत्तर प्रदेश के हर जनपदों में 18 से ऊपर वाले, 18 वर्ष के जो ऊपर के लोग हैं, हमारे जो नौजवान साथी हैं, उनके वैक्सीनेशन का काम बाकी जनपदों में भी कल से हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। कोरोना कर्फ्यू का परिणाम काफ़ी संतोषजनक रहा है। आज मरीजों की संख्या काफ़ी कम रही है। हम लोगों को याद है कि भारत सरकार ने और विशेष तौर पर नीति आयोग ने ये संभावना व्यक्त की थी और उत्तर प्रदेश सरकार को आगाह भी किया था कि 30 अप्रैल तक उत्तर प्रदेश में प्रतिदिन के मरीजों की जो संख्या संभावित है उसका आंकड़ा 1 लाख तक पहुंच सकता है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में काम किया है, हमारे जो सुरक्षा के उपाय रहे हैं उसका जो कड़ाई से पालन कराया गया और भी तमाम व्यवस्था जो सरकार ने किया, उसका परिणाम ये रहा कि हम 37,000 से लेकर 38,000 तक के आंकड़े तक
मरीजों की संख्या सिर्फ पहुंच पाई और आज मरीजों की संख्या में। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।